भगवान दास गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार सर। हकीम जी से बात करना चाहता हूँ। जी भाई बात हो रही है भगवान दास जी। जी आदाबर। आदाबर भाई जी, कष्ट ये है कि मेरा पोता है 15 साल का। जी मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मेरा पोता है 15 साल का। तो जी सर टीवी मत सुनिए। टीवी सुनेंगे तो देर में जवाब देंगे। मैं मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ। हाँ 15 साल का आपका पोता है। जी तो क्या है, उसके सर के बाल जो है बहुत झड़ते हैं, डैंड्रफ बहुत रहती है। तो उसके बारे में जो है बाल हल्के भी बहुत हो गए। तो उसके लिए जो है उससे क्या उपचार जो है थोड़ा। ठीक है जी। अच्छा देखिए, नज़ला खांसी बलगम छींकें ऐसे सब आता है तो उसका उपचार अलग है, और ये सब नहीं है। बहुत ज़्यादा नज़ला खांसी बलगम छींकें का प्रॉब्लम है तो उसका इलाज अलग से करना होगा, तभी ये अच्छा हो पाएगा। और अगर इसको ये रोग नहीं है तो फिर इजीली आप देखिए सफ़ेद गौंद मोरिंगा। अच्छा गौंद मोरिंगा में भी लोग बेईमानी करने लगे हैं, लाल टाइप का दे देते हैं, पीले टाइप का दे देते हैं। सफ़ेद वाला लेना जो ऑफ वाइट कलर का होता है, यानी बर्फ़ी जैसी होती है ना मिठाइयों में ऐसा, तो ये ले लें। और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर और दूध में मिलाकर, या सबसे अच्छा नारियल पानी में मिलाकर, अगर आप हैसियतदार हैं तो उन्हें दे सकते हैं। तीनों से काम करता है लेकिन नारियल पानी के साथ ज़्यादा अच्छा काम करता है। इन्हें काफ़ी दिन तक पिलाएंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है।